फाइनली होंडा हाइनेस। फाइनली होंडा हाइनेस दिस टाइम। ऑल राइट, लेट्स राइड दिस बाइक एंड सी हाउ इट परफॉर्म्स इन द रियल वर्ल्ड। लुक्स सो गुड यार। सो आई एम राइडिंग द DLX Pro। DLX Pro कम्स इन 3 कलर्स, ड्यूल टोन, एंड नॉर्मल DLX कम्स इन सिंगल कलर। इट्स वेरी मैनेजेबल, सीट हाइट इज 800, वेरी नाइस। लेट्स गो। Okay, I need to set the mirrors correctly first. Oh, very good riding posture, yeah. Riding triangle is amazing. Very relaxed. Indicator switch is little down. और horn का position थोड़ा सा ऊपर है. You just need to get used to. Yeah, it's just to navigate the instrument console. Very good. Very tight turning radius, yeah. Very nice. Brakes are good, yeah. So it is a single cylinder 348cc air cooled engine, produces 21 horsepower at 5500 rpm, 30 Nm of torque at 3000 rpm. The power is available quite early, yeah. So it's not a high revving machine, it doesn't need to be, which is great, I think, and that makes this bike really fun in the city. Oh boy, look. कूलेंट गिर गया या क्या गिर गया? जल्दबाजी। ओके, गियर शिफ्टिंग इज ब्यूटीफुल यार। गियर शिफ्टिंग, क्लच एंड एक्सेलरेशन ऑल आर स्मूथ। ओह, इट्स अ फ्लिकेबल बाइक यार। इट्स अ वेरी लाइट बाइक। सो आपको सिटी के अंदर चलाने में इस बाइक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको डाउनशिफ्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ आई एम इन द थर्ड गियर, यू कैन सी। और डिजिटल कंसोल जो है, ऑल्दो द लेटर्स आर वेरी स्मॉल, बट इट इज़ वेरी एलिजिबल। बहुत ही आसानी से नज़र आ रहा है, फ्यूल गेज नज़र आ रहा है, यू गेट द क्लॉक, यू गेट द गियर पोजिशन इंडिकेटर, यू गेट 2 ट्रिप मीटर, डायनेमिक माइलेज कंजम्पशन, माइलेज कितना मिल रहा है आपको वो भी नज़र आता है इसके अंदर। लेट्स चेक द स्पीड नाउ। Gear shifting is beautiful, yeah. Very smooth, very very smooth. I'm in the fifth gear now. I'm cruising at 90. Beautiful, yeah. It's very linear, no rush, very progressive. Let's see the brakes. 80 pe hu. Oh, brakes are really good, yeah. Front you get the 310 mm a single disc, and rear you get 240 mm single disc. Maneuvering this in the city is not a problem. The weight is just 181 kgs. Oh, gear shifting is smooth, yaar. The clutch is super super smooth, yaar. Tire se bahut achhi grip aa rahi hai. Front you get 19 inch and rear you get 18 inch of tires. Both are tubeless. The sound of this bike's exhaust is beautiful, yaar. Mazedar hai. नाइस, वेरी गुड पुल। लेट्स सी। ओ बॉय, गुड गुड। यू नो द वे दिस इज हैंडलिंग इज रियली गुड यार। सो फार व्हाट आई हैव लाइक्ड इज द गियर शिफ्टिंग इज सुपर स्मूथ, क्लच इज सुपर लाइट, एंड एक्सेलरेशन इज स्पॉट ऑन यार। इट चेंजेस द लेन वेरी इजीली यार। And the brakes are really working good. मुझे ऐसा लगा था कि front, since there is only single disc, it probably wouldn't really be that effective. But no, the brakes are really good, yaar. Oh, what a sound, yaar. बहुत अच्छा exhaust note है इस bike का. Yeah, enough power. Whatever you need is available at very easily 3000 rpm. अरे देख ना पीछे।
ये एक और द स्टॉक एग्जॉस्ट इज रियली ब्यूटीफुल, मेक्स अ ब्यूटीफुल साउंड यार, बहुत अच्छा साउंड है. लुक हाउ इट हैंडल्स यार ब्यूटीफुली. राइट नाउ आई एम इन द थर्ड गियर एंड आई एम क्रूजिंग एट अराउंड 30-40. सो ईजिली पुल करता है ये थर्ड गियर में 20 से. सो आपको बहुत ज़्यादा डाउन शिफ्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो फार आई एम लविंग दिस इंजन, इट्स वेरी फ्लेक्सीबल, स्लो स्पीड मनूवरेबिलिटी इज ऑल्सो गुड इन दिस बाइक एंड इमीडिएटली इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो ओवरटेक एनी व्हीकल इट्स पॉसिबल वेरी मच. मज़ेदार, आराम से आप क्रूज़ कर सकते हैं इस बाइक के ऊपर अराउंड 90-100, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हाईवे पे भी. और सिटी के अंदर चलाना तो बहुत ही इजी है, क्लच बहुत लाइट है, क्लच एंड गियर शिफ्टिंग बहुत है सुपर स्मूथ यार, एक्सेलरेशन भी बहुत ही स्पॉट ऑन है, वेरी इजी बाइक टू राइड यार, ब्यूटीफुल. Only thing is that the placement of horn and indicator switch is little different than what I am used to or what most of the people would be. Let's go. Abhi yahan pe rokenge and then I will give you a 360. Okay. Chalo. Okay. So iska jo headlight hai, headlight is all LED, indicators are all LED, the round shape is really giving it a retro look. The brakes are from Nissan, very good brakes so far, I really liked it. Seat height is 800 mm, which is again very friendly. Aur jo iska fuel tank capacity is 15 liters and mileage you get in the city is around 30-35 tak aaram se milta hai, that is the feedback I got from the showroom people. And on highway मिनिमम 40 यू आर गोइंग टू गेट. बहुत अच्छी रेंज मिलने वाली है इस अराउंड, आपको 450-500 किलोमीटर की रेंज बहुत आसानी से मिल जाएगी इसके साथ में. इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, इट इज ऑल एनालॉग हियर, ये जो कि स्पीडोमीटर है. यहाँ पे आपको मिलता है क्लॉक, यू गेट द फ्यूल, जो माइलेज है वो दिखाता है, क्लॉक है, फ्यूल इंडिकेटर है और गियर पोजिशन इंडिकेटर. राइट नाउ इट इज इन द फर्स्ट गियर नो. सो यू गेट दी होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल. और इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं आपके पास में, DLX एंड DLX प्रो. DLX Pro के अंदर आपको क्या रहता है, ड्यूल टोन में मिलते हैं, तीन कलर ऑप्शन है आपको. और आपको सभी ड्यूल टोन में मिलते हैं और DLX के अंदर सिंगल टोन में मिलते हैं. DLX Pro ऑल्सो गेट दी होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर आप नेविगेशन, ब्लूटूथ और सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू होंडा की जो ऐप है वो इंस्टॉल करनी है आपको. और इसके बाद में यू कैन एक्चुअली ऑपरेट योर फोन, यू कैन यूज योर नेविगेशन, यू कैन लिसन टू द म्यूजिक एंड एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन दी DLX Pro. और ये जो चला रहा हूँ ये DLX Pro ही है. ओके एंड वॉट एल्स, द ग्राउंड क्लियरेंस इज 166 mm, जो कि इंडियन रोड के लिए सम वॉट हियर एंड देयर. मुझे ऐसा लगता है 165 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, सो इट इज राइट देयर. एक और चीज जो डिफरेंट है DLX Pro और DLX में वो है, DLX Pro के अंदर आपको हॉर्न का 2 यूनिट मिलेगा और DLX के अंदर 1 यूनिट मिलेगा. आई थिंक दिस आर द 3 बेसिक डिफरेंस, 1 इज अ ड्यूल टोन होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम एंड 3rd इज 2 यूनिट हॉर्न्स. इसका जो सस्पेंशन है वो मेरे हिसाब से इट इज़ गुड इनफ फॉर आर रोड. मुझे सस्पेंशन काफ़ी अच्छा लगा, सीट जो कुशनिंग है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. बहुत ज़्यादा फॉर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है. और इसका जो पीछे का टेल सेक्शन है ये भी थोड़ा सा अच्छा क्लीन लगता है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है. बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोम यूज़ हुआ है, आप आगे भी देख सकते हैं थ्रू द एंटायर एग्जॉस्ट. अब मैं आपको सुनाता हूँ इसका एग्जॉस्ट. सो आइडल पे ऐसा साउंड करता है, ये बहुत ही प्यारा साउंड है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टिंग या डिस्टर्बिंग साउंड नहीं है, बहुत ही सूदिंग है. थोड़ा सा इसको रेव करते हैं और देखते हैं. दैट्स हाउ इट साउंड्स परफेक्ट. सो फार आई एम इंजॉइंग दिस. और इसका माइलेज वगैरह भी बहुत अच्छा मिलता है, इट लुक्स रियली गुड यार, बहुत ही सटल
और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। इसके अंदर कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको मिलता है एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। बहुत सारे लोगों के पास में जो मोबाइल है वो टाइप सी नहीं होगा, मेरे हिसाब से यूएसबी देते तो बेहतर था। चलो फिर दिस, ओके दिस वाज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल। एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर व्हाट यू नीड। द डिजिटल वन इज ऑल्सो वेरी एलिजिबल, नो प्रॉब्लम व्हाट्सो एवर। What a handler यार, beautiful little yet very effective bike यार। This handles really well in the city. Traffic के अंदर इसको handle करना is not a problem. Immediate overtaking भी बहुत easy है क्योंकि power delivery बहुत अच्छे से मिल जाती है आपको and the entire torque is available at 3000 rpm. So इसको handle करना इन द सिटी और इसको सिटी के अंदर चलाना इज अ ब्रीज यार। डजंट रियली मैटर व्हाट बाइक यू आर राइडिंग बट यू शुड एंजॉय एंड दिस बाइक इज रियली फन यार। नहीं ब्रेक्स आर ग्रेट। कौन है हार्ले है ये तो हार्ले। यप चलो क्या टर्निंग रेडियस है यार इसका, बहुत ही स्मार्ट, मतलब कि बहुत ही छोटा टर्निंग रेडियस है। आपको सिटी के अंदर चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात इस बाइक की मुझे अभी तक लगी, इसका ऑपरेशन इतना स्मूथ है, मतलब क्लच इज सुपर लाइट। इससे लाइट क्लच मैंने अभी तक ऑपरेट नहीं किया है, जितनी भी बाइक्स मैंने चलाई हैं दिस इज़ द लाइटेस्ट क्लच। और गियर शिफ्टिंग तो स्मूथ है, बटरी स्मूथ, सो इट इज़ अ वंडरफुल बाइक। सो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। सो इट इज़ ऑन रोड इट विल बी अराउंड 2.34 to 2.36 और जो इसका DLX Pro है वो और DLX में 5000 रुपये का डिफरेंस है। तो मैं तो कहूँगा कि आप 5000 रुपये ज़्यादा दे दें एंड आई थिंक यू गेट दी होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद में ड्यूल हॉर्न मिल जाएगा आपको एंड यू गेट द ड्यूल टोन। क्विक एक्सेलरेशन, ओवरटेकिंग, एब्सोल्युटली ब्रीज, ब्रेक्स बहुत ही इफेक्टिव हैं, मुझे बहुत इफेक्टिव लगे। और क्या लेन चेंज कर रही है ये बाइक, बहुत अच्छा, परफेक्ट। सो दिस इज होंडा हाइनेस CB 350 फॉर यू, ग्रेट बाइक।